News 18, India. बड़ी जानकारी दी है दर्शकों को, हम बता दें अहम खबर इस वक्त की मिल रही है, नीतीश कुमार अब कल दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर, कल दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो मुहूर्त निकला है वो दोपहर 3 बजे का निकला है। बैठकें अभी सारी रद्द भले हो गई हो या फिर कल एक बार फिर से भले बुलाई गई हो, लेकिन बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कल 3 बजे शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। तो मुहूर्त कल दोपहर 3 बजे का निकाला गया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नीतीश कुमार ही काबिज रहेंगे, चेहरा वही रहने वाले हैं बिहार में, लेकिन ये जो नई सरकार बनेगी बीजेपी और जेडीयू की, उसमें शपथ ग्रहण समारोह कल रहने वाला है। और खबरें पहले तो ऐसी ही मिल रही थी कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से कोई ना कोई पटना में आपको जरूर दिखाई देगा। अब बड़ी खबर इस वक्त की आपको मैंने बताई चंद्रमोहन का, एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। चंद्रमोहन, कल 3 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है ऐसा तो आपने भी अभी बताया, बड़ी खबर दर्शकों को मैंने दी, अब जरा ये बताइए कि बड़ा चेहरा दिल्ली से कोई जा सकता है क्या? अमित शाह, जेपी नड्डा, किसी को देखेंगे हम? बिल्कुल, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, और जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी यह बता रहे हैं कि बीजेपी के कोई वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँच सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि जो कल शपथ होना है उसमें बड़ा मैसेज भी जाना है। इंडी गठबंधन के जो सूत्रधार रहे नीतीश कुमार वो उससे अलग हो रहे हैं, तो ऐसे में कोई बड़ा नेता अगर पटना में पहुँचता है, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचता है, तो बड़ा मैसेज जाएगा, इसलिए कोई बड़ा नेता यहाँ पर पहुँच सकता है। और जो जानकारी अभी मिली उसके मुताबिक सुबह 9:30 बजे के बाद यहां पर जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 10 बजे से बैठक शुरू होनी है और उसके बाद फिर नीतीश कुमार जाएंगे, तकरीबन 12 बजे के करीब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे जहां वो इस्तीफा देंगे, और उसके बाद 3 बजे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये तय कर लिया गया है एक तरह से कहा जाए तो, सिर्फ इंतजार ये हो रहा है कि कल सुबह जो बीजेपी की बैठक होनी है उसमें कोर कमेटी की बैठक के साथ वहां पर विधायक दल की बैठक होनी है और वहां से शपथ पत्र जो गहमा गहमी है वो शुरू हो जाएगी। 9 बजे से जो शुरू होगी 3 बजे तक लगभग जाकर ऐसा लग रहा है कि खत्म होगी। देखिये, सुना होगा आपने, आत्मा अजर अमर होती है, सिर्फ शरीर ही बदलती है। नीतीश कुमार के लिए बिहार में वो बिल्कुल सटीक बैठता है, किसी के साथ भी सरकार बनाए मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं। कल 3 बजे एक बार फिर से यही कहा जा रहा है मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले सकते हैं। अब देखिए, बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महागठबंधन से मोह भंग हो चुका है, साफ है। अब एक बार फिर से वो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का हिस्सा भी बन सकते हैं। अब माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के समर्थन से एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं दोपहर 3 बजे, अभी चंद्रमोहन ने भी आपको बताया। और यही वो वजह है कि बिहार समेत पूरे देश में नीतीश कुमार का टैग एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है। आखिर नीतीश कुमार के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे कि मोहरे बदलते रहते हैं लेकिन वजीर हमेशा नीतीश कुमार रहते हैं?